सब मस्त है ना, लाइफ जिंदगी मस्त चल रही है। अच्छा कभी कहीं कभी पानी की सब्जी। अच्छा कभी पानी की सब्जी। दूध से क्या क्या पैसे लेते? इतने इतने पैसे लेके फिर जमा लेते यहाँ आ गए। लकड़ी भी नहीं थाना देते। बताओ फान। अरे वाह बड़ा प्यारा बच्चा है ना। ये हाथ भी बेकार हो गया, पानी निकाल निकाल के पीने का पानी लिया, साफ निकाल के। हाँ। साफ पानी नहीं मिलता। हाँ तो उसे निकट कर रहा है। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? ना। पढ़ना लिखना तो आता होगा थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। ट्वीट कुछ नहीं है आपके पास? अरे यार तो मिलनी चाहिए थी लाइट आपको। पानी ऐसे पीते हैं यार, दूर देख रहे छोटे छोटे से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं इस टाइम NH-7 में था, तो मैंने रोड से देखा कि यहाँ पे गुजर लोग रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मिला जाए, इनकी बातें जाना जाए, कैसे रहते हैं, कैसे इनका रहन सहन है, क्या ये बिज़नेस करते हैं। वैसे सब जानते हैं गुजर लोग जो होते हैं ये नॉर्मली दूध का बिज़नेस करते हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, लोगों को दूध पिलाते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह से जंगल में रह के यार, इतना त्याग करके, इतना जंगल में रह के और फिर दूध प्रोवाइड करा रहे हैं, सिटीज़ में जाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। तो भाई आज इनकी लाइफ से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि किस तरह से रहते हैं, कैसे इनका रहन सहन होता है, क्या इनका खान पान होता है, कैसे इनके बच्चे रहते हैं, तो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अब तो चलते हैं, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। क्या नाम भाई आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम भाई, और कैसे हैं? सब बढ़िया? ठीक है जी सर। काम धंधा कैसे चल रहा है? बस काम धंधा दूध का ही है हमारा तो काम। अच्छा भाई, हाँ बताओ लोगों को, बताओ यार क्या बिजनेस, क्या धंधा करते हो आप लोग गुजर लोग? बस दूध बेचते हैं हम तो, और दूध मजदूरी कर लेते हैं हम। दूध बेचते हो जी? भैंसे वैसे रखते हो? हाँ भैंसे हैं। कितनी भैंसे हैं अभी आपके पास? अभी तो है 15-20 भैंसे हमारे पास। 15-20 भैंसे हैं अभी आपके पास? अच्छा अच्छा, तो कब यहाँ पे कब से हो आप? बस सदियों से यहीं से, हमारी तो पैदाइश भी यहीं है। यहीं से हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया यार। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ तो बहुत परिवार है, पहले तो बहुत ही, तो कम हो गया। अच्छा अभी कम हो गया, पहले ज़्यादा थे? हाँ पहले तो बहुत थे, देहरादून निकल के ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपका घर है? बढ़िया, अच्छे घर बना रखे आपने यार, मिट्टी से है ना। अरे वाह, नाम बताओ बेबी, अपना नाम बताओ बच्चे, क्या नाम आपका? बोलो जोर से बोलो। सलमा। सलमा, वाह बड़ा प्यारा नाम है। आपका नाम क्या है? आरिफ। आरिफ खान, वाह। पढ़ते हो? नहीं। काम धंधा करते हो? हाँ। भैंस पालते हो? हाँ। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? ना। इनाम, वाह। और आपका नाम क्या है? हुजूर। वाह हुजूर, कितने साल के हो? 5 साल के 6 साल का? बढ़िया यार बढ़िया। तो फ्रेंड जैसे देख रहे हैं, ये है गुजर जनजाति का एक प्यारा सा घर जो कि मिट्टी और छप्पर से बना है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये हैं उनके मालिक, नाम है भूल, क्या नाम बताया आपने? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम भाई, तो ये हम उसके घर में एंटर कर रहे हैं। जूते ले आओ ना, कोई परेशानी तो नहीं है? ये देखो, तो ये देखो दोस्तों कितना सुंदर इन्होंने बनाया, देखो लकड़ी से और प्लास्टिक लगा के छप्पर करके बिल्कुल नेचुरल वैसे घर बनाया है। बीच में लकड़ी का बिंब भी है, किसी चीज़ का बिंब है? देखो लकड़ी का इन्होंने बिंब बनाया, देखो इतना सॉलिड बिंब बनाया है लकड़ी का, ये देखो पूरा ऊपर तक जा रहा है, पूरा बेस इसी पे देखो नेचुरल वे से, और पूरी मिट्टी की लिपाई इन्होंने करी है देखो ये, और ये है इनका चूल्हा, और ये है इनका छोटा सा बच्चा बेबी। हेलो 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 हेलो, इधर आओ, इधर आओ बेबी। क्या नाम आपका बच्चा? नाम क्या बताएगा छोटा बच्चा, क्या नाम भैया इसका? इसका नाम इरफान। इरफान, अरे वाह बड़ा प्यारा बच्चा। कितने साल का ये?
आठ महीने का डर गया बेचारा डर गया। ये आप उनकी मम्मी है? हाँ। अच्छा अच्छा, मम्मी का नाम क्या है? मम्मी तिलमा गई है। हाँ जी, आमना। आमना आमना आमना, दो बच्चे। ये लड़की इधर आओ बेबी, इधर आओ, इधर आओ। देखो भाई, इनाम इनाम बोला ना अपने नाम, इनाम भाई की दूसरी बेबी भी इधर आओ, बच्चे इधर आओ, आगे आ जाओ। ये देखो कितनी, अब्दुल करीम। तो करीम भाई की दूसरी बेटी है, सलमा नाम है इसका, है ना। सलमान देखो कितना अच्छा, देखो ज्वेलरी पहनी है, हार गले में पहना है, हैं टोपी भी पहनी है, ठंड लग गई। बड़ी प्यारी है फैमिली, देखो दोस्तों कितना क्यूट बच्चा है। ये बॉय है और ये गर्ल। तो चलते हैं इनके, अब देखते हैं इनका चूल्हा, देखो इनका। वाओ भैया, नॉर्मली आप लकड़ी पे खाना बनाते हो ना? जी। अच्छा, तो गैस वैस रखते हो कोई? ना, गैस तो नहीं रखते। गैस नहीं रखते? लकड़ी बहुत है यहाँ, क्या गैस की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं आप बर्तन को? देचका। क्या? देचका। देचका क्या बन रहा है इस पे? ये दूध है। दिखाओ जरा दूध, दिखाओ भैया, आओ जरा यार। अरे वाह, ये क्या पनी, क्या दूध बाल रहे हो आप? भैंस का दूध? नहीं, प्योर दूध। तो नहीं भाई, जैसा आप यहाँ पे रहते हो, तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास गैस सिलेंडर है कि नहीं है, तो नहीं है आपके पास सिलेंडर? तो जैसे सरकार जो सुविधाएं मिलती है वो आपको मिलती है क्या? कुछ नहीं हमें मिलता है सरकार से ना। आपका आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ, आधार कार्ड बना हुआ है, पहचान पत्र है। तो आपको कोई ठिकाना है नहीं ना वैसे कि यहाँ पे है? कुछ नहीं है ठिकाना, इस वजह से नहीं बना मिलता आपको? कुछ भी नहीं है हमारे पास, लाइट वेट कुछ नहीं है आपके पास? अरे यार, तो मिलनी चाहिए थी लाइट आपको। और कुछ सुविधा? पानी भी पहले नदी का पिए करते थे, अभी उस हाई बा बनने लगी, पानी की भी समस्या पड़ी। तो फिर पानी कहाँ से लाते फिर आप लोग? पानी ऐसे पीते हैं, खोद खाद के, हाथों में भी दर्द हो जाती है। खोद के कैसे? नीचे से खोदना पड़ता है, पानी नहीं तो खराब है सारा, कैसे पी जाएगा? खोद के हाथों से निकालते हैं? हाथों से निकालते हो? देखो दोस्तों, कितना मजबूरी से इनको काम करना पड़ता है। जैसे एलिवेटेड रोड बनी यहाँ पे, पहले नदी थी, नदी से पानी आता था। तो यहाँ पे कोई हैंडपम्प वगैरह कुछ नहीं है? अरे यार, तो बड़ा मुश्किल काम है फिर आप लोगों के लिए। जी। अच्छा, दूध कहाँ सेल करते हो फिर आप? कहाँ ले जाते हो दूध? देहरादून। देहरादून ही जाता आपको दूध? तो अच्छा रेट मिल जाता है? हाँ, 50 रुपए के रेट से जाता है। 50 रुपए के रेट से मिल जाता है? तो बढ़िया रेट जाता है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो बाहर जाते थोड़ा। ये है कटड़ी? दोनों कटड़ी है? दोनों कटड़ी है। घास वास तो मिल जाता होगा यहाँ पे आसानी से है ना? घास वास मिल जाता है। हाँ जी आंटी, क्या नाम आपका? फातिमा। फातिमा नाम है आपका? हाँ। तो कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? कभी से, बाप दादा से। बाप दादा से ही रह रहे हो? तो कितने बच्चे हैं आपके? अब पांच। पांच बच्चे? हाँ। पांच। भैंसे कितनी है? भैंसे है बस थोड़े से, अपना गुजारा लायक। गुजारा लायक है, काम चल रहा है? ऐसे ही चला रहा ऊपर वाला। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक ठीक, तो ये बताओ आपने गले में क्या पहना है आपका? मतलब ऐसे मुड़ते हैं। सुनना, मैंने उस लड़की गले पे भी ऐसे, सलमा के गले पे भी देखा। इसके भी अपना बनाते हैं। अपना बनाते हो? दिखाओ जरा। देखो फ्रेंड्स, ये इनकी अपनी कला है, गुजर लोग बनाते हैं इसको, अपने हाथों से बनाते हो? हाँ। कैसे? ऐसे डाल डाल। कहाँ से लाते हो इन दानों को? बिहारीगढ़ से। बिहारीगढ़ से मिलते? हाँ। जरा उतार के बताओगे ऐसे हाथ पे? उतार के बताते। अच्छा अब बोलो आंटी, कैसे बनाते हो, कहाँ से लाते हो ये? बिहारीगढ़ से। बिहारगढ़ से मन के मिलते दाने आपको? हाँ, हम बनाते हैं। अच्छा, दाने वहाँ से लाते हैं? दाना आते हैं, हर रंग के दाना लेते हैं। देखो दोस्तों कितने प्यार से, तो अपने हाथों से उन्होंने बनाया, देखो अपने हाथों से उन्होंने बनाया ये माला, बहुत बारीकी से काम किया। देखो ये भी इनके अंदर एक टैलेंट है। देखो अच्छा, आप ऐसा करते हो इसे बना के, जैसे बेचने का काम भी करते हो? बेचते नहीं, अगर थोड़ा बहुत लेना हो तो बेच भी सकते हो। ये माले बहुत महंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा जिस तरह से आंटी, देखो इतना अच्छा इन्होंने बनाया माला अपने लिए, और अगर आप इनको प्रमोट करना चाहते हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो इनकी कला को सराहो और यार कोशिश करो कि इनके पास आओ, और इस तरह से ना जितने भी NGOs हैं वो इनके पास आए, इनके टैलेंट को उभारें, क्योंकि जैसे दूध का प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही साथ देखो इनके अंदर इतना टैलेंट है, माला भी इतने अच्छे ढंग से इन्होंने बनाई है, तो क्यों ना इस माला को भी ना हम कहीं NGO के पास ले जाएँ, वो इसको प्रमोट करें, और इनका जो आमदनी का स्रोत भी बढ़ जाए और अच्छा भी हो जाए, क्यों आंटी, है ना? हाँ। अगर आपका कहीं बताएं कि भाई इतना अच्छा बनाते हैं ये, तो लोग आपके पास आए खरीदें आपसे, तो आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। हाँ, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक। हाँ। कुछ बोलना चाहोगे अपनी कुछ बात बताओ? कुछ नहीं बोलना? सब मस्त है ना, लाइफ जिंदगी मस्त चल रही है। अच्छा
अच्छा खाना वाना क्या खाया आज बताओ? बस कुछ नहीं, रोटी अपना तो रोटी चावल खाए और अच्छा, कुछ स्पेशल होता है आप लोगों का, गुजर लोगों का जो बनाते हो? ना ना या कुछ नहीं मिलता, तो नॉर्मल सब्जी रोटी जो बनती है, सब्जी बाजार से लाते होंगे? सादा अपना खाना। सब्जी बाजार से लाते होंगे? ना बाजार है ना, आलू लाते हैं। यहाँ उगाते हो कुछ? यहाँ कोई, यहाँ कुछ नहीं उगाते। अच्छा कोई परेशान तो नहीं करता कि तुम नदी किनारे क्यों बस हो, निकलो यहाँ से, ऐसा कुछ होता है? हाँ तो परेशान नहीं, अब क्या हो जाएगा जब ये रोड मान जाएगा, रोड मान जाएगा, पानी भी नहीं पीने को, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान तो ये करता ना जंगलात वाले, लेते आप लोगों से? हाँ हाँ बहुत पैसे लेते हैं। देखो दोस्तों कितना गलत है यार, देखो इतना मेहनती लोग कर रहे हैं, उसके बाद इनसे पैसे लेते हैं, इतने इतने पैसे लेके फिर यहाँ आ गए। लकड़ी भी नहीं थाना देते, बताओ यार बहुत गलत, जिला की खाते लकड़ी भी नहीं, बहुत गलत बात है आंटी। ये तो आप इतनी मजबूरी से काम करते हो, भैंसे पाल रहे हो, है ना, ये हाथ भी बेकार हो गया, पानी निकाल निकाल के पीने का पानी लिया, साफ निकाल के साफ पानी नहीं मिलता, हाथों से निकाल, हाथों से निकाल निकाल, खून भी नहीं रहे। सही बात है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको हर वैरायटी के लोग मिलेंगे। देखो एक छोटा यंग लड़का है, कितने साल का आप? 15 साल का लड़का है, और देखो मेहनत अभी से मेहनत कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करते हो? पढ़ना लिखना तो आता होगा थोड़ा बहुत? यार थोड़ा पढ़ना सीखा करो यार, पढ़ना जरूरी होता है थोड़ा बहुत, अगर दूध का धंधा भी करना है ना थोड़ा बहुत, तो हिसाब किताब, तो हिसाब किताब तो जान जाते होंगे? कुछ भी नहीं यार जान, कुछ भी नहीं आता, ओहो ठीक ठीक यार। तो और क्या क्या कुछ खेल वेल भी खेलते हो? बस कुछ भी नहीं खेल, क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट वगैरह खेलते हो? कुछ भी नहीं खेलते, काम धंधे में लगे रहते हो? चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। देखो दोस्तों ये दूसरा घर है, इन्होंने देखो मिट्टी से ही घर बनाया है, देखो मैं बर्तन वर्तन सब रखे इन्होंने यहाँ पे, और नॉर्मली के चूल्हे पे ही खाना बनाता है, और ये डेगची यहाँ पे आपको प्रमुख मिलेगी, यही इनका मेन का यही है, डेगची पे दूध गर्म करना। देखो कितना प्यारा बनाया है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत। हाँ जी क्या नाम भैया? मोहम्मद आलम। अच्छा अच्छा, तो आप, आपके कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे हैं। तो काम धंधा आपका दूध का चलता है? कहाँ बेचते हो दूध? देहरादून। तो बढ़िया चल रहा काम धंधा? हाँ ठीक है बाबू, चलो बढ़िया बढ़िया ही चलना चाहिए, और सब फर्स्ट क्लास यहाँ पे, और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं कुछ? बस लाइट वगैरह की और राशन वगैरह की और क्या। अच्छा लाइट की दिक्कत है थोड़ा, चलो तो धीरे धीरे हो ही जाएगी पूरी आपकी। देखो ये जो अभी हम अभी यहाँ पे अंकल थे, उनकी ये वाइफ हैं, उनकी पत्नी है। आंटी क्या नाम आपका? ताज बीबी। आंटी थोड़ा तेज बोल रहे हैं। ताज बीबी आंटी का नाम है, और आंटी भी अंकल के साथ जो है दूध का जो है बिजनेस करते हैं, भैंसे पालती हैं। देखो इनकी भैंसे यहाँ पे हैं, और कुछ चरने गई होंगी लगता है ना? हाँ। तो आंटी क्या क्या बताओ, क्या क्या हाल चाल, फर्स्ट क्लास क्या क्या चल रहा है? ऐसा ही है बस, क्या हो रहा है? बढ़िया चल रहा है काम धंधा, है रोटी पानी खा लिया आप लोगों ने? दो टाइम तीन टाइम कितना खाते हो? दो टाइम खाते हो। क्या बनाते हो खाने में? कुछ भी नहीं, आलू की सब्जी, कभी कहेंगी कभी पानी की सब्जी। अच्छा कभी पानी की सब्जी। दूध से क्या, दूध से क्या क्या बनाते हो? दूध का क्या बनाते हैं? घी दूध वगैरह लगा रखा, क्या दूध, दूध लगा रखा थोड़ा बहुत होता है, चाची के लिए रख लेते। घी वगैरह नहीं बेचते? थोड़ा बहुत होता है, बेच लेते हैं। अच्छा आंटी अपने पहने क्या, गले पे क्या क्या चीजें बताओ? ये तो माला है, माला खुद बनाते हो ना हाथ से? नहीं बाजार से ले रखी है। अभी पीछे जो है ये चांदी का? ये तो चांदी का है। अच्छा ये नाक पे जो है इसको क्या बोलते हो? लौंग। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। तो वैसे आप रहने वाले कहाँ के हो भैया अंकल? हम यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के हो आप लोग? अच्छा अच्छा, बरसों से यहीं पे बिजनेस कर रहे हो आप? हाँ जी। चलो बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिल के। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरे आज का ब्लॉग? मैंने आपको दिखाया गुजर लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, किन कठिन परिस्थिति में यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, या फिर काफ़ी तरफ से इनको उन्होंने मुझे और भी प्रॉब्लम्स बताए कि जंगलात वाले भी इनको काफ़ी परेशान करते हैं कि लकड़ी नहीं काटने देते। खैर वो उनकी ड्यूटी भी है कि लकड़ी नहीं काटनी, वन को बचाना है, लेकिन सीरियसली यार ये बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आए इनकी हेल्प करे, और इनको जाने, इनको पहचाने, इनको पहचानने की कोशिश करें, और अगर कुछ इनकी हेल्प कर सके तो करें, और इनको अगर पढ़ाई में एजुकेशन में इनको आप आगे बढ़ाना चाहें तो इनको प्लीज़ इन पे इनको मिलिए, इनके लिए कुछ करना चाहते हो करिए। तो मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि। कर दो इरफान, बाय।
बाय बेबी, बाय सलमा, बाय 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 बाय। अच्छा आंटी, मिल के अच्छा लगा आपसे, बाय यार।